किचन में अक्सर काम करते करते हम कितने ही एक्सपीरियंस क्यों ना हो, हम कहीं ना कहीं जरूर अटक जाते हैं। जैसे कि हमारे घर में प्याज काटते वक्त हमारी आंखों में अक्सर पानी आ जाया करता है, कभी कभी गुड़ में ऐसे छोटे छोटे कीड़ा लग जाता है, कभी बीन्स घर में लाते हैं मंडी से तो कच्ची निकल जाती है, तो साथ में कभी कभी जो करेले हैं वो हमारे को परेशान करते हैं क्योंकि उनमें करवाहट बहुत ज़्यादा आ जाती है। ऐसी कुछ किचन टिप्स मैं इस वीडियो में लेके आया हूँ जो आपको इन सारी दिक्कतों के वक्त मदद करेगी। दोस्तों, हमारे घर में बर्तन अक्सर जल जाते हैं, उन जले हुए बर्तनों में काफ़ी आसान से तरीके से आज ये गंदी परत हटाने के लिए ये ट्रिक है। दोस्तों, सबसे पहले इस जले हुए बर्तन में थोड़ा सा डाल दीजिए बेकिंग सोडा। साथ ही में दोस्तों, आपके घर में नींबू तो ज़रूर होंगे, उनको इस्तेमाल करने के बाद बचे हुए छिलकों को इसमें डाल लीजिए। बचे हुए छिलके, बेकिंग सोडा आ गया अब इसमें, अब या तो थोड़ा सा डिटर्जेंट डाल लीजिए पानी के साथ या फिर थोड़ा सा डिश जेल लिक्विड डाल लीजिए। लिक्विड सोप या डिटर्जेंट दोनों ही बराबर और बेखूबी काम करेंगे, तो मैं लिक्विड सोप डाल रहा हूँ। साथ ही में दोस्तों, आपको इसमें एक से दो बॉयल दिलाने होंगे ताकि ये पूरा असर दिखा सके और आपकी जली हुई परत जो है वो पूरी तरीके से हट सके। तो हमने इसको फटाफट से एक बॉयल दिला लिया है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं, देखिए कैसे लेदर झग्गी बन चुकी है। अब दोस्तों, हमको फटाफट से गैस को बंद कर लेना है। एक बॉयल आ गया है आपके सामने, तो हमने इस गैस को बंद कर लिया। अब दिखाते हैं दोस्तों ये सारा गंदा पानी हटाने के बाद कि क्या जली हुई परत जो थी वो हमारी कुछ कम हुई है। ये कच्ची परत थी, ज़्यादा जला हुआ नहीं था, और देखिए हमने पानी निकाला तो कितनी ईजिली हमारे बर्तन हमें साफ मिल गए हैं। तो बढ़ते हैं अपनी अगली ट्रिक की ओर। दोस्तों, आपको पता है हरी मिर्ची को स्टोर करना बेहद ही ज़्यादा आसान है। आप चाहते हैं हरी मिर्ची ज़्यादा दिनों तक चले, तो क्या कीजिए, जो ऊपर की डंठल होती है उसको अलग कर दीजिए। ऊपर की डंठल से ही हरी मिर्च का सड़ना शुरू होता है। अगर ऊपर की डंठल हट जाएगी तो आपकी हरी मिर्च जहाँ पे एक हफ्ते तक फ्रिज में रहती थी ठीक वहीं पे बात करते हैं, इसे 15 से 20 दिन भी फ्रिज में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस ध्यान रखें जब डंठल हटाएं उसके बाद आपको इसको स्टोर कैसे करना है। एक डब्बी ले लीजिए एयरटाइट, और उसमें थोड़ा टिश्यू पेपर या फिर न्यूज़पेपर रख के उसके ऊपर रख लीजिए अपनी हरी मिर्चीज, और चाहें तो इसके ऊपर भी एक टिश्यू पेपर की परत लगा सकते हैं। अपने एयरटाइट कंटेनर को उसके बाद कर लीजिए बंद, आपकी हरी मिर्ची स्टोर रहेंगी काफ़ी ज़्यादा दिनों तक। दोस्तों, धनिया छीलने के लिए कभी कभी हाथ दुख जाते हैं क्योंकि समय इतना ज़्यादा लग जाता है। कोई भी आपके घर में ऐसे छेद वाला स्पैचुला हो उसमें से आर पार निकालिए धनिया को, धनिया इजीली छिल जाता है, ज़्यादा समय भी नहीं लगता। दोस्तों, अक्सर हमारे घर में सब्जियाँ आती हैं लेकिन कुछ समय के बाद वो सड़ने लगती हैं, जैसे कि आप देख लीजिए ये हमारी जो सब्जियाँ थी वो हल्की हल्की सड़ना शुरू हो गई थी। तो हमने क्या करना है, पानी में आपको आधा नींबू निचोड़ लेना है, और अपनी जो सब्जियां सड़ना शुरू हो रही हैं या कमज़ोर पड़ रही हैं उनको आपको इसमें भिगो के रख लेना है आधा एक घंटा, या फिर सब्जी बनाने से पहले आधा एक घंटा इसमें रख दीजिए। उसके बाद दोस्तों, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाती है सब्ज़ी, फ्रेशनेस फील देती है और ऐसे लगता है कि भाई वाह सब्ज़ी तो बेहतर हो गई। ये देखिए काले डंठल वाले ये शिमला मिर्च जो सड़ने लगी थी वो कितनी बेहतर हो चुकी है। कभी कभी हमारे गुड़ में घर में कीड़े लग जाते हैं। दोस्तों, गुड़ और चीनी को कभी भी स्टोर करें तो उसमें थोड़ी लौंग डाल दें, ये कीड़े कभी भी उनमें नहीं आएंगे और हमें परेशान नहीं करेंगे। इससे आपका गुड़ ज़्यादा समय तक फ्रेश भी रहेगा, इंटैक्ट भी रहेगा। एयर टाइट कंटेनर में हमेशा रखें गुड़ को ताकि इसमें कीड़े नहीं लगें, और लौंग तो आपने डालने ही है, लेकिन चिंता मत कीजिए लौंग की कभी भी खुशबू नहीं आएगी गुड़ में। अक्सर घर में हम टिश्यू पेपर्स तो लाते हैं, इन पे ज़ोर से टैप कीजिए, ये इजीली ओपन हो जाते हैं एक साइड से, बस ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अगली ट्रिक पे चलते हैं। जैसे कि हमने बताया था हमारे करेले कभी कभी कड़वे आ जाते हैं, उस सिचुएशन में क्या करें, मैं करेले छील लेता हूँ। अब आप लोग कहेंगे करेले कौन छील के खाता है, तो ये सबकी अपनी अपनी मर्ज़ी है, आप छीलना चाहें तो छील लें, नहीं छीलना चाहें तो ना छीलें, लेकिन दोनों तरीकों में कड़वाहट को कैसे कम करना है वो वीडियो का मेन मुद्दा है। करवाहट कम करने के लिए आपको क्या करना है, आपको केले करेले को छोटे छोटे पीसेस में काट लेना है। उसके बाद आपको इस सारे करेले को एक ऐसी स्पेशल चीज़ में भिगा के रखना है कुछ देर के लिए, जिससे इसकी करवाहट कम हो जाएगी। सबसे पहले तो इसके बीज निकाल लिए हमने ताकि इसको डायरेक्टली सब्जी बना सकें, और अब हमने इसको एक बर्तन में निकाल लिया है। ऊपर से हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा नमक, और अब इसको ऐसे अच्छे से मिक्स करके छोड़ देंगे आधे पौने घंटे के लिए। नमक मिलता है करेले के साथ और उसमें से एक पानी निकलता है, वही उसकी कड़वाहट होती है। इस नमक की वजह से जो पानी करेलों में से निकलता है वो इसकी 30 से 40% तक कड़वाहट को कम कर देता है।
बस कड़वाहट हमने कम कर दी। क्योंकि आंखों अगली ट्रिक है दोस्तों, घर पे प्याज काटते हैं कभी कभी आंखों में आंसू आ जाते हैं, उस सिचुएशन में आप क्या कीजिए, अपने प्याज को थोड़ा सा सेक लीजिए। सेकने के बाद जब भी हम प्याज काटेंगे तो प्याज में कभी भी हमारी आंखों में आंसू नहीं आएंगे। तो देख लीजिए दोस्तों हमने कितने अच्छे से प्याज को सेका है, आपको दिखाते हैं कितना रेड बढ़िया से लाल हो गया है। तो आपको भी ऐसे उल्टा करके इसको सेकना है और अब इसे फटाफट से काट लेना है। अब दोस्तों प्याज तो काट रहे हैं और आंखों में आंसू तो नहीं आ रहे, लेकिन काटने के बाद एक और बड़ी मुसीबत भी आ जाती है, इनके हाथ में बदबू रह जाती है। उसका क्या करें, उसके लिए क्या कीजिए, आप ले लीजिए थोड़ा सा बेकिंग सोडा और हाथ पे कर लीजिए स्प्रिंकल। इससे कभी भी प्याज की महक हाथों में से नहीं आएगी। अगली ट्रिक पे चलते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे इस वीडियो को ज़रूर शेयर और पेज को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। देख लीजिए दोस्तों हमारे नमक को हमेशा फ्रेश रखने के लिए, इंटैक्ट रखने के लिए, इसमें लम्स ना बने, उसके लिए हम इसमें थोड़ी सी राजमा डाल रहे हैं। राजमा जो है वो नमक में आने वाले पानी को अच्छे से चूसता है। आप इसको पूरी तरीके से दबा के रखें, इससे आपके नमक में मॉइस्चर नहीं आएगा। आप फिर इसको फटाफट से कर दें एयरटाइट कंटेनर में बंद। अगली ट्रिक है दोस्तों हमारी नींबू को लेके। नींबू का इस्तेमाल तो हर कोई करता है, क्या आप जानते हैं इसके जो छिलके होते हैं वो कितने गुणकारी हैं। नींबू के छिलके हमारे को डिटॉक्स वाटर बनाने में बेहद ही ज़्यादा सहायक हैं। नींबू के छिलकों को फेंकिए मत, इनके छिलकों का इस्तेमाल कीजिए। एक ले लीजिए आप फटाफट से पानी की बॉटल, इन छिलकों का छोटा छोटा टुकड़ा करके, और पानी की बॉटल में आप इन छोटे छोटे टुकड़ों को डाल लीजिए। इससे दोस्तों आपका डिटॉक्स वाटर बनके तैयार हो जाएगा। आप इसे एक दिन, दो दिन, तीन दिन ऐसे भीगे रहने दें और उसके बाद इसे ड्रिंक कर लें। काफ़ी ज़्यादा गुणकारी होता है पानी, इसमें विटामिन सी की भरपूर मात्रा होती है, साथ ही में हमारे शरीर की इम्यूनिटी को भी बेहतर करता है। देख लीजिए अगली ट्रिक पे चलें दोस्तों। घिया छीलना बेहद ही ज़्यादा आसान होता है, सिर्फ आप घिये को एक चम्मच से भी छील सकते हैं। इससे क्या होता है, इसमें साथ लगा हुआ पल्प वो लॉस नहीं होता है। जब हम इसको पिलर से छीलते हैं तो मोटी स्किन निकलने की वजह से इसमें जो जूसेस होते हैं एकदम परत के पास वो भी निकल जाते हैं, लेकिन ऐसे छीलने से आपका जो घिया है वो उसके पल्प भी इंटैक्ट रहते हैं और इसके जूसेस भी नहीं निकलते हैं। देख लीजिए कितनी आसानी से हमने पूरा का पूरा घिया छील दिया है। जब तक ये पूरा घिया छीलता है दोस्तों, मेरी फिर से आपसे गुजारिश है आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर, हमारे इस वीडियो को ज़रूर लाइक और हमारे पेज डिलीशियस फूड को ज़रूर फॉलो कर लीजिए। अगली ट्रिक है दोस्तों हमारी कांच को लेके। अक्सर हमारे घर में कांच के बर्तन टूट जाते हैं। ये छोटे छोटे पेपर हमने लिए हैं, ये कांच के बर्तन को दिखाने के लिए लिए हैं, सिर्फ सैंपल के तौर पे। इनको इजीली उठाने के लिए कि छोटे छोटे टुकड़े कहीं रह ना जाएं और हमको परेशान ना करें, कांच को हमेशा ऐसे उठाइए, एक कटोरी में पीछे से सेलो टेप लगाएं और ऐसे उसे चिपका लें। ईजिली आपके कांच आप संभाल लेंगे और ऐसे छोटे छोटे टुकड़े भी आप पकड़ पाएंगे। तो चलिए मैं चलता हूँ, वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड।